जय हिंद दोस्तों, आज हम आप लोगों को गंगा नदी के बारे में बताएंगे कि गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और कहाँ पर इसका समापन हुआ है। पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में, बल्कि गंगा नदी निकली नहीं है, गंगा नदी बनाई गई है। गंगा नदी कैसे बनी है उसके तंत्र को आप समझते हैं। उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री। गंगोत्री नामक एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर से जाह्नवी नामक एक नदी या धारा निकलती है जो गोमुख नामक ग्लेशियर में मिल जाती है। लेकिन गंगोत्री से जाह्नवी नामक एक धारा निकलती है जो गोमुख नामक स्थान पर एक ग्लेशियर से मिल जाती है, और उस ग्लेशियर से जब एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है भागीरथी नदी। गोमुख से भागीरथी नामक एक नदी निकलती है और इस नदी में एक भिलांगना नामक सहायक नदी आकर के मिलती है, और जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम है गोविंद प्रयाग। बिलांगना नदी भागीरथी में आकर के मिलती है, उस स्थान का नाम है गोविंद प्रयाग। अब ये नदी आकर के आगे की ओर बढ़ती है। अब हम दूसरे तंत्र के बारे में बात करते हैं। एक तंत्र उत्तराखंड में ही एक और स्थान है जहां पर दो ग्लेशियर हैं, एक सतोत्पंत और दूसरा भिलांग। सतोत्पंत और भिलांग नामक दो ग्लेशियर हैं, इनसे क्रमशः सतोत्पंत से विष्णु गंगा और भिलांग से धौली गंगा निकली हैं। विष्णु गंगा और धौली गंगा जिस स्थान पर एक से मिलती हैं उस स्थान का नाम है विष्णु प्रयाग। भूगोल के अनुसार जब दो समान गहराई वाली नदियां एक स्थान पर मिलती हैं उस स्थान से दोनों नदियों का नाम बदल जाता है और तीसरा नाम हो जाता है। तो विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा और धौली गंगा समान गहराई वाली नदियां मिलती हैं, अतः यहां से इसका नाम बदल जाता है और इस नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा नदी। विष्णु प्रयाग से अलकनंदा नदी निकलती है या बन करके आगे की ओर बढ़ती है। जब विष्णु प्रयाग से आगे की ओर अलकनंदा नदी बढ़ती है तो वहां पर आगे बढ़ने पर एक नंदका नामक नदी निकलती है जो नंद प्रयाग में जाकर के मिलती है। यानी कि अलकनंदा नदी में जब नंदका नदी मिलती है उस मिलन स्थल का नाम है नंद प्रयाग। अब अलकनंदा नदी फिर आगे की ओर बढ़ती है तब एक पिंडार नामक नदी अलकनंदा में मिलती है। कौन सी मिलती है? पिंडार नदी। पिंडार नदी जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम है कर्ण प्रयाग। जब फिर अलकनंदा नदी आगे की ओर बढ़ती है तब एक और नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। जब मंदाकिनी नदी आपकी अलकनंदा नदी से मिलती है तब उस स्थान का नाम है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग से जब अलकनंदा नदी आगे की ओर बढ़ती है तब भागीरथी से मिलती है, जिस स्थान पर मिलते हैं उस स्थान का नाम है देव प्रयाग। देव प्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी मिलती हैं। यहाँ पर समान गहराई होने की वजह से दोनों नदियों का नाम बदल करके गंगा नदी हो जाता है। अब ये गंगा नदी देवप्रयाग से गंगा नदी आगे की ओर बढ़ती है। अब हम बात करते हैं पंच प्रयाग के बारे में। पंच प्रयाग गंगा नदी के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं। तो पंच प्रयाग के बारे में हम बताते हैं। सतोत्पंत और भिलांग से जब नदी आगे की ओर बढ़ती हैं
तो एक स्थान पर मिलती हैं जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयाग है। विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग से आगे फिर है कर्ण प्रयाग से है रुद्र प्रयाग से है देव प्रयाग। ये हमारे पंच प्रयाग हैं। पंच प्रयाग को याद करने का आसान तरीका है भगवान विष्णु को हम ले लेते हैं। भगवान विष्णु के नाम पर है विष्णु प्रयाग। अब विष्णु का एक अवतार है जो है श्री कृष्ण या नंदलाल। नंदलाल के नाम पर है आपका नंद प्रयाग। नंदलाल कानों में कुंडल पहनते हैं तो कानों को कर्ण कहते हैं, इसलिए इसका नाम है कर्ण प्रयाग। कर्ण से आगे की ओर आते हैं गले में रुद्र की माला पहनते हैं, इसलिए आगे है रुद्र प्रयाग। जब ये भगवान का पूरा अवतार ले लेते हैं तो एक देव का रूप होता है, तो आपका होता है देव प्रयाग। यानी याद करने का तरीका है विष्णु से आपका है नंद, नंद से है कर्ण, कर्ण से है रुद्र, रुद्र से है देव। यानी इस प्रकार से आपके पंच प्रयाग हो गए। अब यह नदी देवप्रयाग से गंगा नदी आगे की ओर बढ़ती है। जब आगे की ओर बढ़ती है तो आपकी यह नदी पहुंचती है आपके उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जैसे पहुंचती है तो उत्तर प्रदेश में कन्नौज नामक एक शहर है। इस शहर में एक राम गंगा नामक नदी निकलती है जो कन्नौज में गंगा की सहायक नदी बन जाती है। अब इस नदी फिर आगे की ओर बढ़ती है, आगे आपका है प्रयागराज या अलाहाबाद, जो वर्तमान प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध है। प्रयाग में यमुना नदी मिलती है, इसलिए इसका नाम है प्रयागराज। अब प्रयागराज से जब गंगा नदी आगे की ओर मिलती है फिर एक शहर है वाराणसी या बनारस। वाराणसी में गोमती नदी आकर के मिलती है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश की राजधानी से होकर के बहती है। जब वाराणसी से आगे की ओर नदी फिर प्रवेश करती है बिहार में। बिहार में एक स्थान है बक्सर। बक्सर में आकर के आपकी घाघरा नदी गंगा नदी से मिल जाती है। यानी बक्सर में गंगा नदी से घाघरा नामक नदी आकर के मिलती है। फिर नदी आगे की ओर बढ़ती है पटना। पटना नामक शहर में पठारी भाग से आने वाली नदी एक है सोन नदी, जो पटना में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। जब गंगा नदी वहां से आगे की ओर बढ़ती है एक बिहार में स्थान है कटिहार। कटिहार नामक स्थान पर एक कोसी नामक नदी आकर के मिलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी आकर के कटिहार से में गंगा नदी से मिलती है। कटिहार से आगे बढ़ने के बाद गंगा नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में एक स्थान है फरक्का। फरक्का नामक एक स्थान है, वहां से गंगा नदी दो समान भागों में बट जाती है। भूगोल के अनुसार जब दो समान गहराई वाली नदी एक स्थान पर मिलती है तो दूसरा नाम उसका नाम बदल जाता है। उसी प्रकार से जब समान दो गहराइयों में नदी बट जाती है तो उसका नाम भी बदल जाते हैं। तो फरक्का से दो नदियां बन जाती हैं, एक नदी पश्चिम बंगाल होते हुए अरब सागर में पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में जो नदी पश्चिम बंगाल से होकर के कलकत्ता होते हुए बहती है उस नदी का नाम है हुगली नदी। और एक दूसरी नदी आगे की ओर सीधी बढ़कर के
बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। जब नदी आगे की ओर बढ़ती है, इस नदी का नाम है पद्मा नदी। पद्मा नदी आपके बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है, एक समान गहराई से एक नदी इधर की ओर आती है, जो हिमालय की पर्वत से आती है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जब आपकी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो उस नदी का नाम हो जाता है जमुना नदी। जमुना नदी जब पद्मा में मिलती है, दोनों की गहराइयां समान होने की वजह से इस नदी का नाम हो जाता है मेघना नदी। यानी गंगा नदी ही पद्मा और जमुना से मिलकर के मेघना का नाम बदल जाता है। मेघना नदी जब आगे की ओर बढ़ती है, तो बांग्लादेश में ही बराक नामक एक नदी से इसकी सहायक नदी बनती है। अब ये नदी जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यहीं से इसका सुंदरवन नामक डेल्टा का निर्माण करती है। इस प्रकार से गंगा तंत्र की और गंगा के समापन तक सभी सहायक नदियों की जानकारी आपको प्राप्त हुई। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।